के बाद, शिक्षा मिलने के बाद कैंपस पहुंचते हैं हम लोगों को, नजीब अहमद अभी भी याद है, रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ अभी भी याद है, BHU कैंपस में महिलाओं के साथ किस हिसाब से मोलेस्टेशन हुआ, उसके बाद पुलिस की दमन, जो लोग न्याय मांग रहे थे उन पर क्या हुआ है, हम सब लोगों ने देखा। और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी, हर जगह पे, तमाम जगहों पे यंग इंडिया ने रेबल किया, जो सत्ताधारी में बैठे हुए लोगों से। क्यों? क्योंकि उनके हक उनसे छीना जा रहा है। और जो सरकार ये वादे के साथ आया था कि वो गेम चेंजर होगा, वो खाली नेम चेंजर निकला है, सारा नाम ही बदलते जा रहा है, रोजगार को बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार को रोजगार कर दिया। इनकी ट्रिपल पी की मॉडल है, पकौड़ा बेचो, पान बेचो या पंचर करो। इसके चलते हुए पूरे सब यंग इंडिया के एस्पिरेशन को, यंग इंडिया के सपनों को उसी के पकौड़े के तेल में जला दिया है, उसी के पान दुकान के बाहर डस्टबिन में डाल दिया है, और पंचर जैसे होता है हवा निकाल दिया है मोदी सरकार। ये अनफॉर्चुनेट है कि अपने आप को, जो मोदी सरकार कहता है कि युवाओं के लिए आया है, रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और इस देश को तरक्की करने के लिए, वही सरकार पिछले 4.5 साल में हजारों लाखों करोड़ की लूट करवाया है, और उस लूट को कराने के बाद उन तमाम लोगों, जो लोग देश के आम जनता के पैसे खाए हैं, उनको विदेश में वीसा देके बिठाया है, और जो रोजगार मांग रहे हैं उनको जेलों में ठूस ठूस के डाल दिया जा रहा है। और यही सच है। इस सच को दिखाने के लिए हमने कोशिश किया कि सारे आंदोलन जो अलग अलग विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर लड़ा जा रहा है, उनको आज दिल्ली लाए हैं। और यंग इंडिया अधिकार मार्च जो हमने कल डिक्लेयर किया था, यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने बनाया, जिसमें 50 से ऊपर संगठन है और डाइवर्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एक ही मकसद है हम लोगों का, इस यंग इंडिया को न्याय देने के लिए, इस यंग इंडिया को शिक्षा देने के लिए, इस यंग इंडिया के एस्पिरेशंस को रोजगार दिलाने के लिए, इस यंग इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उसके लिए सोशल जस्टिस दिलाने के लिए और शिक्षा पे खर्चा बढ़ाने के लिए। और इसी के मांग के साथ हमने कमेटी बनाया, और हम लोग मोदी सरकार को सीधा चुनौती दे रहे हैं, आपने हमको वादा किया है, वादा को निभाइए, अगर नहीं निभा सकते आप जाइए। आपने इस देश के यंग इंडिया को बेरोजगार बनाया, अगर आज हम लोग यूनाइटेड हो चुके हैं, 2019 में आपके पूरे सरकार को हम बेरोजगार करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को गोला ही नहीं, जुमला ही नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान में उसी नौजवानों को तलवार दे दिया है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने के लिए, एक दूसरे के प्रति हिंदू मुसलमान दंगे फैलाने के लिए, और उसके बीच में, उसके आड़ में अपने कॉरपोरेट लूट को अदानी अंबानी के नाम पे, वो जियो यूनिवर्सिटी हो, वो MTNL को ख़त्म करके जियो का कंपनी को आगे बढ़ाना हो, या जल जंगल जमीन लड़ने वाले लोगों को अर्बन नक्सल बोलते हुए जेल में डाल के, या भीमा कोरेगांव में जो दलित अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उन सब को अर्बन नक्सल बोल के आप जेल में डालने का काम किए हैं, उसका जवाब आपको 11 दिसंबर को मिल चुका है। उसी छत्तीसगढ़ के ज़मीन में जिनको आपने अर्बन नक्सल बोला था, वो पूरा जनता आपको बेरोजगार कर चुका है, रमन सिंह के सरकार को किया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर अभी भी रामदेव की बातों के चलते हुए आप चलना चाहते हैं, तो चलिए, वो भी पलटी आसन करना शुरू कर दिया है। और लगातार जितने लोग इस सरकार के प्रति खड़े थे, वो सब डूबते हुए नाव से कूद रहे हैं, और हर रोज़ या लोग आपको छोड़ रहे हैं या पार्टियां आपको छोड़ रही है, बट आप एक चीज़ को नहीं छोड़ रहे, आपके घमंड को, आपके यंग इंडिया के प्रति एक नफरत, और यंग इंडिया के प्रति उसको पूरा बेरोज़गार बनाने का एक सपना, जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप इस देश के हालात को सुधार नहीं सकते, और हमें लगता है कि आप नहीं सुधार सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग एक यंग इंडिया चार्टर बना के आपके सामने बताने जा रहे हैं, क्या हमारे मांग होंगे, क्या हम लोग इस देश से उम्मीद करते हैं, क्या बाकी जो लोग हमारा वोट मांगने आएंगे उनसे क्या हम उम्मीद करते हैं, क्या इस देश का सपना जो यंग इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है, क्या वो देख सकता है। अगर देख सकता है
तो क्या वो हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनने में बनाना चाहता है या हिंदुस्तान को और बेहतर हिंदुस्तान बनाना चाहता है, या इस देश में जो न्याय की लड़ाई है उसको मजबूत करना चाहता है, या संविधान जलाने वालों को सरकार में रखना चाहता है। इसी बात को रखते हुए